5 दिसंबर को राजस्थान के अंदर राजधानी जयपुर में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। दिन दहाड़े सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन उन्हीं के साथ उनके मित्र थे अजीत, जो इस घटना में उन्होंने भी दम तोड़ दिया। समर्थक यहाँ हैं, क्या मांग और क्या समझौता जो है उस पर हुआ, बातचीत करते हैं। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, हम आपके चैनल के माध्यम से देश की सरकार और प्रदेश की सरकार जो अभी नव गठित हुई है, ये कितने बड़े गैंगस्टर हैं जो विदेश में बैठ के हत्या कर, हमारे पास सेना है, पुलिस है, संगठन है, हमारे पास कमांडो है। अगर राजपूत समाज को दे दो कि तुमसे नहीं समझता काम, इन गुंडों को लाया काम हम कर लेते हैं, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे गोल्डी हो, चाहे कोई मोल्डी हो, दावे से कहते हैं राजपूत, राजस्थान का राजपूत, हम पूरी व्यवस्था हम सुधार देंगे। नहीं तो ये रोज मुआवजा मांगने का काम था नहीं हमारा, लेकिन सरकार का दिया हुआ काम है। आज वो विधवा हो गई है, वो उसको नौकरी की व्यवस्था की गई है, ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा उसको दिया जाएगा, वो सारे काम करें। जो मुख्य मांग हमारी है ना, ये तो हम 36 को हम देते थे मुआवजा, ये तो 1947 में हमने इनको संभाला करके थोड़ी सी गलती कर दी, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। आज पहली मांग हमारी ये है माननीय मोदी जी से, बहुत बड़े 58 इंच का, 62 इंच का, कितना इंच का सेना भगवान उनका बनाए रखे और लोकप्रिय है, हम उनका मान सम्मान करते हैं, और ये बदलाव जी भी वो सुनो की बात करते हैं, देखते हैं कितने जल्दी लॉरेंस को और दूसरा क्या नाम रोहित गोदारा को कितनी जल्दी पकड़ के लाके फांसी की व्यवस्था। आपके अल्टीमेटम के मुताबिक 72 घंटे से पहले आरोपी पकड़ लिए। मुख्य आरोपी नहीं है वो तो मोरे हैं, आजाद जा दो जाके टुकड़े ले, वो कहे गए बदमाश है, वो बदमाश जो बाहर बैठे उनको लाओ, हम सीना ठोके करें, गोली खाने के लिए तैयार है। नोट करो हमारे बोले कि जब तक ये भारत सरकार जिसके पास सेना है, पुलिस है, संगठन है, सुरक्षा बल है, BSF है, 2-4 अपराधी को नहीं पकड़ सकते। हम मुकाबला 3 पाकिस्तान की बात करते हैं, पूरे देश को डिस्टर्ब कर रखा है इन 10-11 लोगों ने, किस तरह से समझ में आएगी बात, कौन सी भाषा मैंने योजना गुरु मोदी जी से दिया की सरकार से जिला नाम कर रखा है इन गैंगस्टरों ने, फिर कहा 11 लाख की पुलिस, 11 लाख की मिलिट्री करके आ रही है। अगर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था भी है तो मोदी जी के लिए चैलेंज है, और यह जो नई नई सरकार बनी है अभी वो करना नहीं चाहेंगे, अभी तो जो मृतक परिवार है उसके संवेदना करें, उनकी मांगें पूर्ति करें। और पहली मांग ये है, पहली आखिरी मांग नहीं मांग रहे, चेतावनी दे रहे हैं, या तो तुम काबू कर लो नहीं हमको संभला दो, हम कर लेंगे ये व्यवस्था सारी। पहले पूर्ज करते आए, हमारे 100 पैदा होते थे 90 मरते थे, हमारे 10 ही बचते थे, आगे हमारी पतियाँ होते सबको क्या कहें, मर भी सकते रहे, कोई बड़ी बात भी नहीं हमारी, साधारण सी बात है। मरना 3 तारीख को मतगणना थी राजस्थान में और 5 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया गया था। राजस्थान के कार्यवाही मुख्यमंत्री, आज भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री एक तरीके से अशोक गहलोत हैं, FIR में उनका भी नाम है, और रोहित गोदारा की जो एक पोस्ट थी उसमें भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे, इसको लेकर देखिए मुझे नहीं कहना चाहिए, जिसका नाम लोकतंत्र की जो सरकारें बता रही है, हिजड़ों की सरकार है ये, कोई अपराधी राजधानी के अंदर घर में घुसकर हत्या करके यहाँ से स्टेट छोड़ के भाग जाए, मुझे बैठा के देखो आप जनता, लेकिन ये तो बेईमानों का शासन आ गया, इसलिए मैं किसी पर पर्सनली कमेंट नहीं करना चाहता। अगर असली मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ की तरह एनकाउंटर का मतलब ये होता है, अगर वो गोली चलाए तो अपन भी गोली चलाए, इनको बुला करके फास्ट ट्रैक में चला करके फांसी लगा के इस चीज को खत्म करो, माफिया खत्म करो, मूल मांग ये है। जब तक ये माफिया राज 100 करोड़ को लोग डरा रहे, 11, 20, 30, 40, 50, 100 ये पूरे देश को डरा रहे हैं, ये बड़ी लोग बात कर लेते हैं, क्या मांग है। देखिए राजस्थान की राजधानी में इतना बड़ा सामूहिक हत्याकांड होना पूरे सिस्टम के लिए, शासन के लिए, प्रशासन के लिए, सरकार के लिए और हमारे करनी जैसा, सेना जैसे तमाम सामाजिक संस्थाओं के लिए ये एक चुनौती है कि अपराधी सरेआम दिन दहाड़े इस तरह से राजस्थान की राजधानी में घुसकर हत्या कर दें और उनको पकड़ने के लिए पुलिस को 72 घंटे लगें, तो ये सबके लिए एक चुनौती है कि ये करनी सेना हुई और किसी समाज की संस्थाएं हुई, ये संस्थाएं क्यों बनाई जाती हैं कि हमारे समाज के गरीब तबके के लोगों को, कमज़ोर लोगों की जब कहीं बात नहीं सुनी जाती है तो आंदोलनों के माध्यम से हम लोग सरकारों तक, शासन प्रशासन तक उस कमज़ोर की आवाज़ बनते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो अगर न्याय की बात करने वाले लोगों की इस तरह से हत्याएं की जाएंगी तो फिर आगे कौन सच की बात करेगा, कौन न्याय की बात करेगा। और हम बात करते हैं आतंकवाद से लड़ने की, हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी दुश्मनों से लड़ने की, जो अंदर हमारे ऐसे नासूर बैठे हैं, पहले सबसे पहले जरूरत है उनसे निपटने के लिए। तो ये हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस हैं, संस्थाएं हैं, ये हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन सब लोगों का खात्मा होना चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। और भी युवा हैं, क्या आश्वासन दिया है जो अभी तक इस मामले पर? आश्वासन नहीं, कार्रवाई। आज मानवीय जीवन की कीमत एक मोटरसाइकिल से कम हो गई है। गैंगस्टर आते हैं एक मोटरसाइकिल लूट कर,
एक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, कार से मानव जीवन की कीमत कम हो गई है। नरेंद्र मोदी अमित शाह दम्भ भरते हैं सुशासन का। अगर उनके पैरेलल एक सरकार चल रही है, एक सरकार तो नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, एक सरकार ये माफिया चला रहे, गैंगस्टर चला रहे, जो उनका विरोध करेगा कोई भी होगा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है, पहले पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या, राजस्थान में सुखदेव गोगामेडी की हत्या, चाहे राजू ठेठ की हत्या, आम आदमियों को आप मोटरसाइकिलों के लिए मार दोगे तो ये कहीं भी सुशासन नहीं है, ये कहीं भी मोदी जी के 56 इंच का सीना नहीं है। इस प्रदेश में ऐसी अराजकता का माहौल है, माफिया का एक ही अंत है, माफिया को मौत और मौत। अगर नहीं तो फास्ट ट्रैक ट्रायल में करें और फांसी तक उनको पहुंचाया जाए, यही मांग है। बाकी हमारी प्रशासन से और दूसरी मांग नहीं है, मुआवजे की हमें आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ा हमारा समाज है, हम सब कुछ व्यवस्थित कर सकते हैं। माफिया का खात्मा ही एक और अंतिम। क्या कहना चाहेंगे? राजपूत समाज में रोष है और मांगे जो हैं वो मान ली गई हैं। अजीत सिंह की जो हत्या हुई है सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ, उनकी निर्मम हत्या के जो दोषी हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट से फांसी की सज़ा जल्द से जल्द सुझाई जाए। सरकार, नई सरकार का गठन भी हो चुका है और नई सरकार के लिए एक मौका भी है ये संदेश देने का कि आने वाले समय में जो ये गुंडा राज है, जो ये माफिया राज है, इसको ख़त्म करने के लिए सबसे बढ़िया उचित यही है जल्द से जल्द इन दोषियों को सजा। क्या लग रहा है, मारने के लिए जो प्लान बना था वो सुखदेव सिंह गोगामेडी के लिए बना था और बीच में जो अजीत जी आए इनको भी उड़ा करते, तो आरोपियों के इतने हौसले बुलंद है, क्या कहना चाहेंगे इसको? हौसले बुलंद तो इस पिछली सरकार में पहले से ही थे आरोपियों के, पहले भी बहुत सी इस तरह की फिरौतियाँ आए दिन सुनने को मिल रही हैं, आए दिन ये फिरौतियाँ मांगते हैं, आए दिन हत्याएं करते हैं, तो ये हौसले बुलंद तो सरकारों ने पहले। एफआईआर में कार्यवाही मुखिया का भी नाम है, एफआईआर के FIR में कार्यवाही मुखिया का भी नाम है और सरकार, अब नई सरकार का गठन हो चुका है, जल्द से जल्द सरकार जो है कार्रवाई करे और जहां तक है ये तो एक मोहरा थे, ये जो हत्या करने आए थे ये तो मोहरा थे और मेन जो आरोपी हैं जो विदेशों में बैठ के इनसे हत्याएं करवाते हैं उनको जो है किसी यहां देश में लाया जाए और उनको फांसी की सज़ा तक पहुँचाया जाए, यही हमारी मांग है, यही सभी सर्व समाज की मांग है। देखिए, सर्व समाज की एक ही मांग है कि जो आरोपी हैं उनको फांसी तक पहुंचाना चाहिए। जिस तरीके से सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की गई दिन दहाड़े और उन्हीं के साथ घायल थे, अभी तक ICU में एडमिट थे लेकिन उन्होंने भी जो है दम तोड़ दिया, और सभी की एक ही मांग है कि जो आरोपियों को पकड़ा है वो मुख्य आरोपी नहीं है, जो मुख्य आरोपी हैं उनको पकड़ने की ज़रूरत है और या एनकाउंटर हो या फिर उनकी फांसी होनी चाहिए। महेंद्र बांसरोटा, TV9 जयपुर।